भाई ने हमें अच्छे से बचा दिया है। गाइज देख लो इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, इनको पार करते हुए हमने जाना है अंजनी महादेव के मंदिर। तो गाइज हम मनाली में सोलांग वैली में स्थित अंजनी महादेव के मंदिर जा रहे थे, जिसके रास्ते बड़े ही जो है ना खतरनाक थे, पत्थर वगैरह थे, ऑफ रोडिंग थी। 5 किलोमीटर का फुल जो है ना ये रास्ता था, जिसमें 2.5 किलोमीटर स्कूटर से आना और जाना था। तो इसको हम पत्थरों को पार करते हुए महादेव के हम दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में छोटी छोटी सुंदर नदी सी बह रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था। अब इन पत्थरों को पार करके हम आगे पहुँच रहे थे। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। पैर मुड़ जाता दोबारा। गाइज यहाँ पे खाने पीने का भी है, देख लो। गाइज वहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं और ऐसे 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 करके अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है। और ये ऊपर झरना बह रहा है, ये जो झरना बह रहा है ना, ये सीधा जो है शिवलिंग के ऊपर गिरता है। जैसे जैसे ठंड होती जाएगी ना, शिवलिंग बनता जाएगा बर्फ़ का, और जैसे जैसे गर्मी होती जाएगी, मेल्ट होकर प्रॉपर जैसे शिवलिंग होता है वैसे हो जाएगा। तो हर हर महादेव। गाइस चढ़ाई में ही रास्ते में नंदी जी की मूर्ति थी, सब लोग इसमें कान में विश मांग रहे थे, तो हमने भी मांगी। और फिर यहाँ पे मौसम जो है बहुत ठंडा है, आप नंगे पैर जो है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे। फर्श इतना ज़्यादा ठंडा था कि पैरों में जो है ना दर्द होने लग गया था। गाइस इतनी ठंड है, हमने सॉक्स पहन लिए, बहुत ज़्यादा ठंड है, पैर ठिर गए हमारे। तो सॉक्स पहन के चढ़ाई करेंगे। सीढ़ियाँ भी बहुत सारी हैं, कह रहे हैं 150 से 200 सीढ़ियाँ। तो हर हर महादेव बोलो और सीढ़ी चढ़ते जाओ। हेलो गाइज, ये बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज के चरण पादुका हैं, और इस जगह की खोज जो है इन्होंने ही करी थी। यहाँ पे इन्होंने बैठ के तपस्या भी करी थी, और जो शिवलिंग है ना इनकी खोज भी इन्होंने ही करी थी। गाइज ये इतना सुंदर नज़ारा था, और नेटवर्क भी फ़ोन के पूरे आ रहे थे, तो सुनील जी बोले चलो घर वालों को कॉलिंग करते हैं। तो पहले बच्चों को और फिर मैंने अपने फैमिली में वीडियो कॉल करके जो है ना उन सबको ये नज़ारे के दर्शन करवाए। अच्छा बूंदे आ रही होगी ना यहाँ पे भी, यहाँ देखो ना, बुछार आ रही है। तो गाइज यहाँ भी बुछार आ रही है, देखो पानी की, यहाँ खड़े हुए एकदम हल्की हल्की बारिश नहीं आ रही। आ रही है, बुछार आ रही है, मेरे पे भी आ रही है। हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। देख लो जी ये सब चीजें नेचुरल है, मतलब भगवान की बनी हुई। क्या क्या मतलब आप दुनिया घूमो तो आपको पता चले। तो जो लोग नहीं घूम सकते तो उनको हमने घर बैठे महादेव के और झरना प्रकृति दर्शन हो रहे हैं जो वो करवा दिए हैं। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब कहाँ जाते हैं, चलते हैं। ये इतनी सीढ़ियां उतरनी है अभी। चले गाइस, अब ये दोनों भाइयों का जिप लाइन का प्लान बन रहा है, जिप लाइन का। वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर वापस लेके आएगा। वापस नहीं लाएगा मेरे ख्याल। लाएगा लाएगा जिप लाइन। कितना प्राइस, कितना प्राइस है, वेट वगैरह? 110 तक इनका हो जाएगा। बोल दिया 110, 102 बोल रहे थे, हो जाएगा, हो जाएगा, होता है, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो अकेला बंदा जाएगा, कपल उन्होंने बोला हमें नीचे 300 रूपए। नीचे दो अलग रहता, नहीं उन्होंने गोप्रो के साथ ही बोला 300 रूपए, वीडियो के साथ ही बोला। चलो भाई ये तीनों बहादुर बंदे जा रहे हैं। 120 से ज्यादा नहीं है, इसमें डालो 120 से ज्यादा तो वो टूट जाएगी। आपको क्या लग रहा है 120 से ज्यादा छुपाना मत मैडम, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो। नहीं फुल मजाक करते हुए भाई, लड़की ये मेरे पैर में तो आ गई। जोर सही बात है भाई, कोई भरोसा थोड़ी है, लड़की अपना उम्र और वो वेट कभी बताती नहीं, कभी नहीं बताते। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस ये अमित और रुचि जा रहे हैं फुल डेयर डेविल बन के, ये जिप लाइन कर रहे हैं। गाइस ये अमित और रुचि आ रहे हैं सामने से, देखो जिप लाइन करते हुए। ये आ गए, हम जा रहे हैं डेयर डेविल बन के। आप फिर से बना रही हो? खराब है चश्मा, ले लो अपना रेडी शडी। डर लग रहा है मेरे को, खेल घबराहट हो रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। पता नहीं मेरे को चैनी से हो रही है। तो आप नीचे देख के ना खाई सी इसमें, तो आपने प्लान बना के कैंसिल कर दिया। यस वेरी बैड, कुत्ते फेल हो गए हमारे।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पता नहीं यार एकदम से ऐसे ना दिल धड़कने लग गया। जोर जोर से नीचे बैठ जाइए आप, आराम से बैठो, पूरा बैठो, बेल्ट को खोल के बैठो। बस ठीक है सर, ओके बाय। पैर ऊपर करना बैठिए ना। सही बंद होगी भाई, बैठ जाइए, बंद होगी सही। पूरी पक्का लग जाती है। भाई सुनील जी ने भी ज़िपलाइन कर ली है, आप पूछते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस, और पैसे वापस ले लिए हमने क्योंकि मैं गई नहीं, मुझे डर लग गया था, पता नहीं मेरा दिल धक धक करने लग गया था एकदम। पहाड़ी कुत्ते मजा आया फुल। आप वो कह रहा था हवा हवा ने रोक दी थी आपको शायद, कोई डर नहीं लगा। गाइस अब हमारी वापसी है, अंजनी महादेव से वापसी। यो डैडी धक्का मार दो मम्मा को। अमित कह रही डैडी धक्का मार दो मम्मी को।